नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया दिन की 25 बड़ी खबरें बताने का। केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने 4 पाकिस्तानी कमांडो के ढेर जारी किए सबूत। भारतीय सेना ने पाक को कहा सफेद झंडा लाओ और घुसपैठियों के शव ले जाओ। जम्मू कश्मीर से पंजाब में दाखिल हो सकते हैं भारी संख्या में आतंकी। क्लस्टर बम पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान का झूठ किया बेनकाब। बोफोर्स से घबराए पाकिस्तान ने पीओके में जारी की एडवाइजरी, सेना को किया अलर्ट। अब करगिल में अधिकारियों को एडवाइजरी, न छोड़े दफ्तर, ऑन रखें अपना फोन। रिपोर्ट में दावा एलओसी को और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम की तैयारी में भारतीय सेना। संसद सत्र के बाद 3 दिन के कश्मीर दौरे पर जाएंगे अमित शाह। राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले कल का पता नहीं लेकिन आज की चिंता न करें। मुंबई में बारिश से रेल पटरियों पर पानी भरा, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह और कई ट्रेनें रद्द। बारिश से लड़खड़ाई मुंबई, लोकल सहित एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। भारी बारिश की वजह से अलर्ट पर मुंबई, हाई टाइड की चेतावनी। उन्नाव पीड़िता एक्सीडेंट, सीबीआई पूछताछ में ट्रक मालिक बोला कुलदीप से कोई लेना देना नहीं। सांसदों की पाठशाला में मोदी ने दिया गुरु मंत्र, कार्यकर्ता मां जैसे, इन्हें न करें नजरअंदाज। राजनाथ सिंह ने कहा कम करेंगे रक्षा सामानों का आयात, मेक इन इंडिया पर रहेगा जोर। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी, 20 की मौत और कई घायल। मॉब लिंचिंग, भीड़ के आगे गुहार लगाता रहा विक्षिप्त, लेकिन लोगों ने पीट पीट कर ले ली जान। खनन घोटाला, ईडी ने किया गायत्री प्रजापति सहित 5 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। राजद सुप्रीमो, लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार, वापस भेजे जा सकते हैं बिरसा मुंडा जेल। एसबीआई पीएनबी समेत 9 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया जुर्माना। एयर इंडिया ने फिक्स किया किराया, श्रीनगर से दिल्ली लौटने के लिए देने होंगे 6,715 रुपए। यूपी के बुलंदशहर में थाना अध्यक्षों की तैनाती में भ्रष्टाचार, एसएसपी सस्पेंड। पति ने पत्नी पर डाला छोटे भाई से संबंध बनाने का दबाव, नहीं मानी तो किया गैंगरेप। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर महिला ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज। केरल में पत्रकार एक्सीडेंट केस में आरोपी आईएएस अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, सीएम ने कहा दोषी बचेंगे नहीं। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।